Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today I'm going to teach you the part 2 of your class plus 1 third chapter Plant Kingdom. So we have done the part 1, it's like part 1 video of this chapter yesterday. In that part what we studied, let's revise. We studied about its introduction, plant kingdom के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था. फिर उसके बाद हमने उसमें study की थी three types of the various classifications they were given by the different scientists during from the earlier times. And then we studied the actual classification which is followed today, the plant classification, जिसमें plants को दो parts में divide किया जाता है कि जो seeds बनाते हैं और एक जो seeds नहीं बनाते. जिनमें सीडिंग नहीं होती है उनको फर्दर आगे दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो हमने धीरे धीरे पूरी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था जिसमें फर्न्स, मॉसेस सब चीजें आ गई थी. ठीक है, उसके बाद अब हमने जो सीड्स बनाते हैं उसमें एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को रखा था. सो हम लोग एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चले थे फ्रॉम बैक स्टेज टू जो सबसे एडवांस दैट इज एंजियोस्पर्म्स है हम वहां तक पहुंचे थे. सो उसके बाद हमने उसमें फर्स्ट एल्गी के बारे में पढ़ा था. एल्गी के हमने एल्गी होती क्या है एल्गी के बारे में स्टडी किया था. फिर एल्गी के कुछ हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया. तीन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वर देयर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉज देयर. एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द एल्गी वी स्टडीड. एंड उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ एल्गीज, हमने थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी स्टडी की थी. उन तीनों टाइप्स के बारे में हमने डिफरेंटली स्टडी किया, फिर उन तीनों को हमने कंपेयर किया था. ये था हमारा पार्ट वन वीडियो में जो हमने प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम में पार्ट वन वीडियो कवर किया था. और उसमें हमने एल्गी के बारे में और कुछ पुरानी चीजें इंट्रोडक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था. So, अब हम पार्ट टू वीडियो में, अब हम इस चैप्टर की पार्ट टू वीडियो करने वाले हैं. इस पार्ट में हम उसे एल्गी से फर्दर थोड़ी सी एडवांस स्टेज ब्रायोफाइट्स और उससे एडवांस दैट इज टेरिडोफाइट्स, इन दोनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इन दोनों के बारे में कि वो होते क्या क्या हैं, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है. सो लेट्स सी कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो फर्स्ट टॉपिक विल बी कवरिंग द ब्रायोफाइट्स. एंड ब्रायोफाइट्स में हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टडी करेंगे, फिर हम ब्रायोफाइट्स की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और उन दोनों टाइप्स की हम कंपेयर करेंगे आपस में और उनके कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजंस लाइक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज वी विल गोइंग टू स्टडी. And then हमारा उसे next topic जो नया topic रहेगा वो होगा pteridophytes. हम similarly pteridophytes क्या होते हैं उसके बारे में study करेंगे, उसके economic importance के बारे में study करेंगे, then उसकी reproduction के बारे में भी हम study करेंगे, फिर उसमें जो classes आती हैं pteridophytes की उसके बारे में study करेंगे. So इस video में मैं आपको ये share करना चाहूंगी कि मैं NCERT के point of view से चल रही हूँ. So जो आपकी CBSE है या और भी जो बोर्ड क्लासेस हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, सो मेरी वीडियोस एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर के अकॉर्डिंगली कंटेंट प्रिपेयर किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रही हूँ. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइस, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड लर्न फ्रॉम माई वीडियो. जो लोग एनसीईआरटी को फॉलो नहीं भी करते वो भी मेरी टॉपिक्स को देख के स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज हैं, जो सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं. सो आप सब लोग इस चीज से बहुत आपको हेल्प मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पार्ट टू वीडियो, दैट इज ब्रायोफाइट्स. देन हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की. अब ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का. एज यू कैन सी दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? क्योंकि ये सॉइल पे रहते हैं पर इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इनको क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स, because they live in soil और उनको water required होता है for their sexual reproduction.
सो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कई जगह पे पाए जाते हैं. दे फाउंड इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. एज यू कैन सी ये ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं, ये ऐसी ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं. देन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यूजुअली उसकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है एल्गी के हिसाब से, थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें क्या होता है, इट इज अ थैलस लाइक और प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट रहती है, स्ट्रेट रहती है, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से. जो राइजोइड्स होते हैं ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करते हैं. सो राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होते, ना ही ट्रू स्टेम्स होती है और ना ही ट्रू लीव्स होती हैं, ठीक है. पर इसके अंदर दे पोजेस रूट लाइक राइजोइड्स, leaf like as you can see here, and then stem like structures present hote hain isme, but actual mein true roots, leaves or stems absent hote hain. So jo inki main plant body hoti hai wo haploid rehti hai, gametes produce karti hai, aur isko gametophyte kaha jata hai, right. Uske baad agar hum baat kare sex organs ki, bryophytes mein sex organs jo hain wo multicellular rehte. जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो होता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन जो है एम्फ्रीडियम होता है, जो कि एंथीरोजॉइट्स को प्रोड्यूस करता है. एंथीरोजॉइट्स जो होते हैं वो बायफ्लेजलेट होते हैं, ठीक है. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियम होता है, जो कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, और जो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है. जो मेल सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, biflagellate entherozoids produce करते हैं, और female sex organs eggs produce, single egg produce करता है, ठीक है. तो male sex organ का नाम क्या है, एंथ्रीडियम. female sex organ का नाम क्या है, आर्किगोनियम. सो ये हमें ध्यान में रखना है. सो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर ब्रायोफाइट में zygotes जो होते हैं, zygotes जो बनते हैं फ्यूजन के बाद वो, सॉरी ये हमने पढ़ा कि मेल सेक्स ऑर्गन्स वो एंथीरोजॉइट्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एग प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद जो एंथीरोजॉइट्स होते हैं, एंथीरोजॉइट्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं. जैसे कि हमने बताया इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल पे रह के वाटर को यूज करते हैं. तो एंथीरोजॉइट्स जो होते हैं एंथ्रीडियम में से वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं ताकि वो आर्किगोनियम तक पहुंच सके. So, जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं वो एग से फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली दो गैमेट्स की फ्यूजन होकर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, यही हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है. इसके बाद जो जाइगोट इसमें बनता है उसमें मियोसिस एकदम से नहीं होती, एकदम से उसके अंदर सेल की डिफरेंशिएशन नहीं होती. वो मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पोरोफाइट का नाम देते हैं. इसमें देखिए आप स्पर्म्स मूव करके वाटर में एग के पास पहुंचे, फ्यूजन हो गई, जाइगोट बन गया और उसने स्पोरोफाइट बना दिया. स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच्ड होता है और उससे नरिशमेंट लेता रहता है. तो जो कुछ सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के वो फर्दर मियोसिस अंडरगो करते हैं ताकि वो कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस कर सके जो फर्दर एक गैमेटोफाइट बना सके जो कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा. तो हमने क्या बोला, जो जाइगोट होते हैं जो एंथीरोजॉइड्स और एग की फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं करता, वो मल्टी सेलुलर बॉडी बना देता है जिसका नाम होता है स्पोरोफाइट. और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो गेमिटोफाइट्स के ऊपर अटैच होते हैं ताकि वो उनसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें. और उसके बाद स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स मियोसिस अंडरगो करते हैं ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकें, और ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बना देते हैं. सो ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस रहता है. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सो इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं. जैसे कि आप देखिए सब मॉसेस जो हैं वो फूड का काम करते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स. जो मैमल्स और बर्ड्स
सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, सो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो उनके लिए फूड का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे सेकेंड इसकी हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, जो स्फेग्नम एक मॉस है उसकी कुछ स्पीशीज जो पीट प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड स्फेग्नम पीट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो ये पीट होता है ये फ्यूल का काम करता है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट यूज्ड एज अ पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल। सो ये फ्यूल का काम करता है स्फेग्नम पीट, और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो पैकिंग मटीरियल के तौर पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल पैकिंग मटीरियल के तौर पे यूज होता है ताकि लिविंग मटीरियल्स की शिपमेंट हो सके, ठीक है। सो इसकी ये दो इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंस आती है कि ये इकोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी सक्सेशन का काम करते हैं, ये प्लांट सक्सेशन का काम करते हैं। जैसे बेयर रॉक्स और सॉइल्स के ऊपर ये धीरे धीरे सक्सेशन करते हैं, मॉसेस लाइकन्स के साथ मिलकर रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, सबस्ट्रेटम को सुटेबल करते हैं, धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ वहां पे स्टार्ट होती है और प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे पहले बेयर सर्फेस होगा, धीरे धीरे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रही है और ये डेंस मैट बन गया मॉसेस का सॉइल के ऊपर। तो सॉइल जो है, सिंस मॉसेस फॉर्म्स डेंस मैट ऑन द सॉइल, तो ये जो सॉइल है सॉइल की इरोजन भी नहीं होने देते, ठीक है। तो ये हमने इसके चार पॉइंट स्टडी करे, पहला कि ये फूड का काम करते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स के लिए, फिर इसमें स्फेग्नम जो होता है वो पीट प्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूल का काम करती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है उसकी, फिर ये प्राइमरी सक्सेशन का काम करते हैं लिवर बर्ड्स सॉरी जो मॉसेस होते हैं ये लाइकन्स के साथ मिलके रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और ये प्राइमरी सक्सेशन का काम करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। उसके बाद ये डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल के ऊपर जिसके कारण सॉइल की इरोजन को भी ये प्रिवेंट करते हैं। सो ये थी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। फिर हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज लीवर बर्ड्स एंड सेकेंड वन इज मॉसेस। फर्स्ट इज लीवर बर्ड्स एंड सेकेंड वन इज मॉसेस। सो जो लीवर बर्ड्स हैं, जो इसकी फर्स्ट क्लास है दैट इज लीवर बर्ड्स ब्रायोफाइट्स की, ये कहाँ ग्रो करते हैं? यूजुअली मॉइस्ट सरफेस पे, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स। मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स कौन से हुए? जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। सो जो लीवर बर्ड्स कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स पे, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर के बैंक्स के ऊपर, ठीक है, मार्शी ग्राउंड जहाँ पे होता है, सॉइल डैम्प होती है जहाँ पे, बार्क ऑफ ट्रीज या डीप इन द वुड्स। और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? थैलॉइड। और इसके एग्जाम्पल हम मार्केंशिया के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसका थैलस रहता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस रहता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के साथ। और जो इसके लीफी मेंबर्स होते हैं, इनके टाइनी लीफ लाइक, एज यू कैन सी, जो इसके लीफी मेंबर्स हैं टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं इसकी, दो रोज में डिवाइड होते हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। You can see leafy member have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. अब हम लीवर बर्ड्स की रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? By fragmentation of thalli. Thalli जो होता है उसमें fragments बनने start हो जाते हैं और या फिर gamma cups बन जाते हैं, जैसे कि singular gamma, gamete. इसमें जैसे आप देख सकते हैं गैमी गैमी कप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है या गैमीज के थ्रू होती है। गैमी होती क्या है? ये ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि गैमा कप्स में डेवलप्ड हो जाते हैं ये इसकी थैलाई के ऊपर, ठीक है। और जो ये गैमा है ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, फिर ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना देगा। या तो जो थैलाई है इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं और वो पेरेंट सेल से डिटैच होकर इंडिविजुअल पूरा प्लांट बन जाता है, या फिर ये गैमी बन जाते हैं। गैमी क्या करते हैं? ये ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसको हम गैमी कप का नाम देते हैं। ये थैलाई के ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं।
ठीक है, ये हो गया लिवर वर्ड्स की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लिवर वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, या तो एक ही सेम थैलाई पे या फिर डिफरेंट थैलाई पे, जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, मेल और मेल ऑर्गन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंथ्रीडियल, एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पर्म्स निकालते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो आर्किगोनिया बोलते हैं हम, उसमें एग रिलीज आउट करते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो वाटर में जाके आर्किगोनिया एग तक पहुंचते हैं और उनकी फ्यूजन हो जाती है और वो जाइगोट बना लेते हैं। इसमें स्पोरोफाइट बनता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है फुट में, सेटा में और कैप्सूल में। इसके तीन पार्ट्स रहते हैं, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। जो मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैप्सूल्स में होते हैं। सो ये जो हो गया कैप्सूल हो गया, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो ये फर्दर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स रिलीज आउट हो जाते हैं और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं इनकी फर्दर जर्मिनेशन के बाद। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये एग प्रोड्यूस करता है, इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट की हमने फर्दर पढ़ी थी कि वो फुट, सेटा और कैप्सूल में होते हैं। कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करके कंप्लीट प्लांट बॉडी अलग से लिविंग, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बन जाते हैं। देन हम सेकेंड क्लास पे आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स की, वो है हमारी मॉसिस। मॉसिस कौन सी होती है, इनकी प्रेडोमिनेंट स्टेज कौन सी रहती है मॉस की? गैमेटोफाइट। उसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी है मॉसिस की? गैमेटोफाइट। इसमें दो स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट आती है प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड आती है लीफी स्टेज। फर्स्ट इज प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकेंड वन इज लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, इसमें डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली ये प्रोटोनीमा स्टेज में आ जाते हैं, जो कि क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी होती है? क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड, ब्रांचिंग होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। और जबकि सेकेंड जो स्टेज आती है इसकी लीफी स्टेज होती है। लीफी स्टेज में क्या होता है, ये डेवलप्ड होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है वो स्पोर से डेवलप्ड होती है, जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप्ड होती है एज अ लेटरल बड। सो ये कंसिस्ट करते हैं अपराइट स्लेंडर एक्सेस जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं और ये सॉइल से अटैच्ड होते हैं थ्रू राइजोइड। जो राइजोइड्स होते हैं वो कौन सी तरह के होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं। दिस स्टेज वी आर दी सेक्स ऑर्गन्स लीफी स्टेज में। सो सिमिलर रहेगा, प्रोटोनीमा जो है वो स्पोर्स से डेवलप हुई है और वो ग्रीन कलर की ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज होती है, जबकि जो लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज से डेवलप हुई है एज अ लेटरल बर्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होते हैं और ये सॉइल से अटैच होता है थ्रू राइजोइड्स। राइजोइड्स कौन सी तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर एज वेल एज ब्रांच, और इस स्टेज पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लीफी स्टेज में मॉसिस की। ठीक है, सिमिलरली इसमें जो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिमिलरली पहले मॉसिस उसकी तरह ही, लिवर बर्ड्स की तरह ही, या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है या फिर इस केस में बर्डिंग हो जाती है इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमने बात किया, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, जो कि लीफी स्टेज में प्रोड्यूस हो जाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं लीफी शूट्स के। इन दोनों के स्पर्म्स और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट किस में डेवलप्ड होता है, अभी तक हमने पढ़ा स्पोरोफाइट में। जाइगोट किस में डेवलप्ड होता है, स्पोरोफाइट में। जाइगोट की डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में हो जाती है। स्पोरोफाइट की तीन स्टेजेस हमने पहले भी पढ़ी, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, अब स्पोरोफाइट जो मॉसेस में होते हैं वो ज्यादा इलेबोरेट होते हैं एज कम्पेयर टू लिवर बर्ड्स। स्टेजेस तीनों दोनों में सिमिलर सी हैं, बट इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है मॉसेस के अंदर वो ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में होता है एज कम्पेयर टू द लिवर बर्ड्स।
जो इसके कैप्सूल में भी, जो हमने उसमें भी पढ़ा था, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स भी जर्मिनेट कर जाते हैं और वो इंडिविजुअली गैमेटोफाइट बन जाते हैं. सो इसमें भी स्पोर्स जो है कैप्सूल में स्पोर्स बन कंटेन होते हैं, स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर मियोसिस, और मियोसिस में मियोसिस के बाद स्पोर्स इनके जर्मिनेट कर जाते हैं, बनने के बाद जर्मिनेट कर जाते हैं. फिर हम क्या बात करें कि मॉसेस में इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर्स डिस्पर्सल का, ठीक है. तो ये एक आगे फर्दर चीजें आ गई, बट आपको एक बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में ही, ब्रायोफाइट्स की, लिवरवर्ट्स और मॉसेस में, दोनों में ही, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दोनों में ही पहले क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं. सेक्स ऑर्गन्स में कैसे होता है कि कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एग रिलीज होता है, वो दोनों की फ्यूजन होकर जाइगोट बन जाता है. जाइगोट से नेक्स्ट स्टेज स्पोरोफाइट बनता है. स्पोरोफाइट में क्या होता है, फूड सीट और कैप्सूल, और कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स सीधा जर्मिनेट करके फर्दर गैमेटोफाइट बन जाते हैं इन केस ऑफ लिवरवर्ट, जबकि मॉसिस के केस में थोड़ी सी एडवांस स्टेज रहती है, उसमें मियोसिस होती है, स्पोर्स बन जाते हैं, बट जो आगे उसकी फर्दर हम स्टडी करें तो इलेबोरेट रहता है स्पोर्स डिस्पर्सल का प्रोसेस, ठीक है. तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. अगर आप मॉसिस की एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या 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 आता है, फ्यूनेरिया आ गया, स्पिग्नम आ गया, पॉलीट्राइकम आ गया, ठीक है. देखिए इसमें राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीड्स, फुट सीटा कैप्सूल की बात कर रहे हैं हम. ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया, इसमें स्पोर्स बियर करते हैं स्पोरोफाइट में. ये स्पोरोफाइट स्टेज है, ये गैमेटोफाइट स्टेज है, ठीक है. अगर हम ऐसे बात करें इसकी, तो ये देखिए एंथ्रीडियल ब्रांच आ गई यहाँ पे, यानी कि ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया. ये आर्किगोनियल ब्रांच आ गई, यानी कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है. सो ये स्पेग्नम हो गया, ये पॉलीट्राइकम हो गया. अब अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की या वर्सेस इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करें, इन दिनों को कंपेयर किया जाए लिवरवर्ट्स और मॉसेस को, तो लेट्स सी. जो लिवरवर्ट्स होंगे वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक स्टेम्स. वो भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ लीफी स्टेम्स एंड सो लेट्स सी द डिफरेंसेस और कंपैरिजन बिटवीन द लिवरवर्ट्स एंड द मॉसेस. एंड इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स यू कैन सी कि दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ द लीफ लाइक lobes or stems. Similarly, in case of the mosses, they are also non-vascular plants consisting of the leafy stems. जबकि जो liverworts हैं, वो division of Marchantia phyta को belong करते हैं, जबकि mosses जो हैं, वो division Bryophyta को belong करते हैं. और जो liverworts में gametophyte होता है, या तो वो thallus होता है, या फिर folios होता है. जबकि mosses के case में जो gametophyte है, वो folios रहता है. जो लिवरवर्ट्स होते हैं, या तो वो डॉर्सी वेंट्रल हैं, या फिर वो रेडियल होते हैं, जबकि मॉसेस जो होते हैं वो हमेशा रेडियल होते हैं. जो राइजोइड्स होते हैं लिवरवर्ट्स के केस में, वो यूनिसेलुलर होते हैं ज्यादातर. मॉसेस में जैसे कि हमने पढ़ा अभी, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, सो दे आर प्लूरीसेलुलर. प्रोटोनीमा जो होता है इसमें रिड्यूस्ड होता है, जबकि मॉसेस के केस में प्रोमिनेंट प्रोटोनीमा होता है. लिवरवर्ट्स में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो अरेंज्ड इन टू और थ्री रोज इन अ फ्लैटेंड पैटर्न, व्हेयरएज इन केस ऑफ मॉसेस देयर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पाइरल और व्हर्ल पैटर्न, राइट. सो दिस इज अबाउट द ब्रायोफाइट्स, व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन द ब्रायोफाइट्स. इट्स लाइक इट्स इंट्रोडक्शन एंड देन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड देन इट्स टाइप्स ब्रायोफाइट्स. उन दोनों टाइप्स के बारे में भी हमने स्टडी करके उन दोनों को कंपेयर कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टेरिडोफाइट्स. सो टेरिडोफाइट्स होते क्या है, टेरिडोफाइट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. टेरिडोफाइट्स जो है इनके अंदर हॉर्स टेल भी आते हैं और फर्न्स भी आते हैं, ठीक है. सो ये हमें कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं. कुछ सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं. सो ये एक्चुअली अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज पोजेस करते हैं. वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो कि वाटर और फूड को कैरी आउट करते हैं, ठीक है, रूट से ऊपर तक लेके जाते हैं, ठीक है. तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज को पोजेस करते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है. और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे, और कुछ बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में. उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी दीज आर ऑल दी टेरिडोफाइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. इन ब्रायोफाइट्स जो होता है उनकी डोमिनेंट फेज जो है वो गेमिटोफाइट रहता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो स्पोरोफाइट होती है. वो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में, जबकि हमने ब्रायोफाइट्स के केस में देखा था कि उसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होते, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट, और इनके जो ऑर्गन्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज पोजेस करते हैं, ठीक है. जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो स्मॉल भी हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन स्लेजिनेला माइक्रोफिल्स, और लार्ज भी हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन फर्न्स दे आर कॉल्ड मैक्रोफिल्स, जो छोटे साइज में, एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोफिल्स, दैट इज लीव्स आर स्मॉल इन साइज. फॉर एग्जाम्पल स्लेजिनेला, मैक्रोफिल्स, लीव्स आर लार्ज इन साइज, दैट इज इन केस ऑफ. उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर आ जाते हैं. जो टेरिडोफाइट्स हैं ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. ये बहुत तरह की मेडिसिंस और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है, जैसे कि रैटल स्नेक फर्न हो गया, ऑस्ट्रिच फर्न हो गया, ब्रैकन फर्न हो गया. सो ये बहुत ही इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए, मेडिसिनल पर्पस हो गया इनका. और कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सॉइल बाइंडर्स का भी काम करते हैं, जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स को एज एन ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी रखा जाता है. ये भी एक तरह की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, जैसे कि एस्पैरागस फर्न हो गया, ड्रायोप्टेरिस एरिथ्रोसोरा हो गया, एक्टिनोटेरिस हो गया, तो इनको एज एन ऑर्नामेंटल के तौर पर रखा जाता है. सो अगर हम फर्दर नए टॉपिक पे बात करें इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने बोला स्पोरोफाइट जो फेज है इसका वो बहुत डोमिनेंट रहता है. तो स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं, जो कि दे आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं जो फर्दर स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स यू कैन सी हियर, दे आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जैसे कि डिस्टिंक्ट बहुत विजिबल होता है, कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम स्ट्रॉबिलाई भी बोल सकते हैं, या फिर हम कॉर्न्स का भी नाम देते हैं, ठीक है. आइदर वी से स्ट्रॉबिलाई और कॉर्न्स, ठीक है. ये हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं स्लेजिनेला की, जैसे आप इसमें देखिए ये कॉम्पैक्ट हो गया इसका जो है ये वाला स्ट्रक्चर स्पोरोफिल्स का, और ये स्ट्रॉबिलाई बन गया. या फिर इक्विसिटम के केस में आप देख सकते हैं इसको हम, ये भी कॉम्पैक्ट हो गया इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रॉबिलस बन गया. आइदर वी कैन से दैट स्ट्रॉबिलस, स्ट्रॉबिलाई और कॉर्न्स, ठीक है. उसके बाद इसमें स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस. जो स्पोरेंजियम है वो स्पोर्स प्रोड्यूस आउट कर रहा है बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं टू गिव इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स निकलते हैं, ये स्पोर्स जो है मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देते हैं, और ये गैमेटोफाइट जो होता है इसका नाम होता है प्रोथैलस. और ये जो गैमेटोफाइट होता है ये किस तरह का होता है? स्मॉल इन साइज्ड, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है, थैलॉइड. सो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए. स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड
थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, जिसको नाम दिया जाता है प्रोथैलस का, एज यू कैन सी फर्न प्रोथैलस। और इसमें प्रोथैलस को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं ताकि ये फर्दर ग्रो कर पाए, और इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इसका स्प्रेड होता है प्रेडोफाइट्स का बहुत ही लिमिटेड, और ये नैरो जियोग्राफिकल रीजन पे रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जो प्रोथैलस होते हैं ये, इनको ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, कूल कंडीशन चाहिए, शेडी प्लेसेस चाहिए, और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसके अंदर क्या क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसको मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्किगोनियम, ठीक है। इन दोनों में सेक्स ऑर्गन्स रिलीज आउट होते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एंथीरोजॉइड जो मेल गैमेट्स हैं एंथीरिडिया से आर्किगोनिया तक पहुंच पाए। एंथीरोजॉइड्स में से स्पर्म्स निकल के फ्यूज करते हैं एग्स के साथ इन द आर्किगोनियम ताकि वो जाइगोट बन जाए, ठीक है। उसके बाद जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट का कंडीशन कौन सी रहती है, वो मल्टी सेलुलर होता है और वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो जो ये हमारे स्पर्म्स और एग्स ये फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट स्पोरोफाइट बना देता है, फर्दर स्पोरोफाइट स्पोर्स रिलीज आउट करते हैं, स्पोर्स स्टार्ट करते हैं ग्रो होना, और ये गैमेटोफाइट बना के प्रोथैलस बना देते हैं, फिर प्रोथैलस के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये साइकिल कॉन्टिन्यू रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें जो बहुत मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनको होमोस्पोरस प्लांट्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करें उसको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस प्लांट्स। और बाकी और कौन सी दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स। मैक्रो और मेगा स्पोर्स भी नाम दिया जाता है, जो बड़े साइज में बिग इन साइज होते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। As you can see, megaspores or macrospores or microspores, ठीक है। इसका structure यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो दो तरह के different kind of spores produce होते हैं इनको बोलते हैं heterosporous condition, और जो similar kind of spores produce करते हैं उसको बोलते हैं homosporous condition, और जो heterosporous condition रहती है Sclerogenia में रहती है और Salvinia में रहती है, ठीक है। उसके बाद जो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे फॉर वाइबल पीरियड। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट डेवलप हो जाता है यंग एम्ब्रियो में, और इस इवेंट का प्रिकर्सर रहता है सीड हैबिट में। सो दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ एवोल्यूशन। So, जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, जो हमने अभी ये पढ़े, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स ये जर्मिनेट करते हैं, और ये फीमेल और मेल, जो बिग वाला है वो फीमेल बनाएगा, जो स्मॉल वाला है माइक्रो वाला वो मेल गैमेटोफाइट बना देता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है फॉर कुछ टाइम के लिए, और फीमेल गैमेटोफाइट में ही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, और इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एवोल्यूशन। और अगर हम होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन की बात करें, जैसे हमने पीछे पढ़ा जिसमें सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं होमोस्पोरस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस कंडीशन लाइकोपोडियम कॉर्न में पाई जाती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन स्लेजिनेला के कॉर्न में पाई जाती है। होमोस्पोरस की एग्जाम्पल क्या होगी, लाइकोपोडियम, हेट्रोस्पोरस की होगी स्लेजिनेला। सो अगर बस अब इसके बाद आपको क्या करना है कि टेरिडोफाइट्स की कुछ क्लासेस हैं, फर्दर उसको क्लासिफाई किया गया है चार पार्ट्स में, जिसके बारे में हम इनके नाम पढ़ेंगे और इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें इन क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें इनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, इन चार क्लासिफिकेशन के नाम पता होनी चाहिए, और इन चारों क्लासिफिकेशन में कौन से टेरिडोफाइट्स आते हैं उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। सो एज यू कैन सी, सो इसकी जो फर्स्ट क्लास आती है दैट इज साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में कौन सी एग्जांपल आती है, साइलोटम। सो सेकेंड क्लास आती है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में कौन सी एग्जाम्पल्स आती है, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम।
थर्ड क्लास आती है स्फिनोप्सिडा. स्फिनोप्सिडा में कौन सी एग्जाम्पल आती है? इक्विसिटम. एंड देन फोर्थ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम एंड टेरिस. सो ये नाम थोड़े से न्यू हैं आप लोगों के लिए, बट अगर आप इसको बार बार याद करेंगे, बार बार रीड आउट करेंगे, तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे और ये आपको इजी रहेगा याद करने. सो कीप ऑन लाइक रिवाइजिंग दिस चैप्टर, कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटी बुक. सो यू विल गेट टू नो दिस टर्मिनोलॉजीज, न्यू टर्मिनोलॉजीज, एंड यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग by yourself. Like within no time you'll get familiar to these terms and you will start remembering these terms, right? So there is no need of cramming them, like blindly cramming them. Just keep on understanding the topic, keep on reading them, and then you will come to know by yourself. So but you have to remember them. So class of pteridophyta, first one is Xyloxida, that is xylotum. Lycopsida, that is Flagellina and Lycopodium. Sphenopsida is Equisetum. Pteropsida is Dryopteris, Edientum and Pteris. So this completed your bryophytes and pteridophytes of this chapter. So now I hope you are clear with these two topics in this chapter. In the next video, we'll be covering the gymnosperms, angiosperms. Gymnosperms and angiosperms, their introduction, economic importance, their types and their reproduction we are going to do. And then another topic we are going to study, their plant life cycle and alternation of generations, that is haplontic life cycle, diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle. So all these topics we'll be covering in the next video, that is part 3 video of this chapter, and it will cover your chapter number 3 after doing all these topics. So I hope this chapter is you are finding it interesting, this chapter. So kindly please like my video and share it with your friends, and please, if you're new to my channel, kindly subscribe my channel by pressing the bell icon, subscribe button. And if you need this PPT, you can mail me at my email ID. I have given it in the description box. So I'll keep on bringing the videos of your class plus one like this only. And meet you in the next video. Meet you tomorrow, with the third video, third part of this chapter. And thank you.